हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो जो जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं और सारे साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा दें ताकि आपके पास सारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आते रहें। तो आपकी जो BMS की काउंसलिंग है वो ऑलमोस्ट हर स्टेट में खत्म हो चुकी है, कुछ स्टेट्स में भी रह रही है, मॉपअप राउंड चल रहे हैं और वो भी जल्द ही खत्म हो जाएंगे। आपने एडमिशन ले लिया, जल्द ही आपकी क्लासेज है वो स्टार्ट हो जाएगी, 15 मार्च के आसपास है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपने BMS में क्या क्या पढ़ना होता है, आपका जो फर्स्ट डे होगा BMS का वो कैसे रहने वाला है, इसमें बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो आपको एंड तक देखना इस वीडियो को ताकि आपको सारी बातें पता चल जाए। तो देखो, जो BMS में स्टूडेंट्स आते हैं वो आते हैं मेजोरिटी इंग्लिश बोर्ड से, इंग्लिश मीडियम बोर्ड से आते हैं, जो CBSE से पढ़े होते हैं, ICSE बोर्ड से पढ़े होते हैं और कुछ होते हैं जो स्टेट बोर्ड से पढ़े होते हैं जिनको हिंदी में परेशानी नहीं होती। जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं उनको परेशानी होती है हिंदी में, क्योंकि जो बेस होता है 11th 12th बायोलॉजी वो इंग्लिश में पढ़ी होती है और एकदम से हिंदी में पढ़ना BMS में आते ही वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो आपने इस चीज को टैकल करना है, आपने हिंदी पढ़नी है, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, जो उसके श्लोक्स होते हैं वो पढ़ना, साथ साथ उसकी जो हिंदी में ट्रांसलेशन होती है वो पढ़ना। देखो, अगर आपने एक बार हिंदी में पढ़ लिया और आपने एक बुक ले लेनी है इंग्लिश में, उसको वहां से हिंदी में पढ़ा एक बार, अगर नहीं समझ आती कोई चीज तो उसको वहां से फिर दूसरी बुक से आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो देखो, आपने पढ़ना कैसे BMS के सब्जेक्ट को, काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं सारी बुक्स खरीद लेंगे, उसको A to Z कंप्लीट पढ़ देंगे। ठीक है, जिसका अगर हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका फायदा नहीं होता है। अब आपने करना क्या है, देखो आपने एक CCIM का सिलेबस होता है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन का, फर्स्ट ईयर का भी होता है, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, इसमें सिर्फ आपको वही पढ़ना होता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप पूरी बुक पढ़ने बैठेंगे तो देखो बहुत सारे ऑथर्स हैं, उन्होंने किसी चीज को इलेबोरेट किया है, किसी ने नहीं किया, तो आपने सिर्फ वही पढ़ना है। CCIM का जो सिलेबस है अपने साथ रखना है और जो उसमें वो टॉपिक है उस टॉपिक को आपने देखना है बुक में वो कहां पे है और वही पढ़ना है आपने। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि सारी बुक को आप पढ़ने बैठे, देखो आपके पास टाइम है इनफ तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने कंप्लीट करना है सिलेबस एक साल में और जो आपका पेपर में आएगा वो सिर्फ आएगा CCIM के सिलेबस से, आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। एकदम से सारी बुक्स लेके आपने पढ़ने नहीं बैठ जाना है। देखो, पढ़ोगे पढ़ोगे तो अच्छा है, लेकिन क्या होगा ना, वो जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी, उस छोटी सी ड्यूरेशन में आपने इतना सारा सिलेबस जो कवर करना होता है वो नहीं कर पाओगे। इसलिए यही बेस्ट है, आपने CCIM का सिलेबस है देखो डाउनलोड करना है, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नीचे जो आपको मिल जाएगा वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, फर्स्ट ईयर का सिलेबस आपको है वहां पे जो मिल जाएगा। तो 2020 से पहले जो बच्चे एडमिशन लेते थे BMS में उन्हें क्या होता था, वो जाते थे तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ पाता था, लेकिन इस बार क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक ट्रांजिशनल करिकुलम निकाला है, इसमें आपको 15 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, इसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा, इसमें मीटिंग होगी, पेरेंट्स मीटिंग भी होगी और साथ में आपको सिखाया जाएगा कि जो आयुर्वेद है वो एक्जेक्टली है क्या, वात पित्त कफ के बारे में बताया जाएगा। तो देखो, इसके मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, ऊपर आपने क्लिक करना है, देखो आपको एक आई बटन पे एक लिंक मिल रहा होगा, उस पर आपने क्लिक करके उस वीडियो को पूरी देख लेना है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। जैसे ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, कुछ कॉलेजेस में चीज स्टार्ट हो भी चुकी है जो कि 8th मार्च से स्टार्ट हो भी रही है, और आप अपने अपने कॉलेज में आप पूछ लें कि आपकी जो ट्रांजिशनल करिकुलम जो है ये कब स्टार्ट होने वाला है, बहुत बेनिफिट रहेगा आपके लिए। जो पहले बच्चे थे वो नहीं कर पाए, लेकिन ये अब आपके लिए गोल्डन चांस है, इससे आप समझ सकते हैं क्या एग्जैक्टली आपको BMS में पढ़ना होगा। तो जो सबसे बड़ा डर होता है BMS में आने के बाद वो होता है संस्कृत का, संस्कृत कैसे पढ़ेंगे, तो संस्कृत को आपने बिल्कुल इजीली पढ़ना है। अगर आपने 6th तक पढ़ी है संस्कृत तो आपके लिए बहुत इजी रहने वाली है, आपको वही चीजें पढ़नी है, पढ़ती पढ़न पढ़ंती, जिसको आप बार बार 11th 12th में भी याद करते थे बायोलॉजी पढ़ते वक्त। ठीक है, तो संस्कृत बहुत इजी है, करना क्या है, देखो ग्रामर एक टाइप की है। अब ये पढ़नी क्यों जरूरी है, सबसे पहली बात देखो, जो हमारे पुराने वेद होते थे वो होते थे संस्कृत में, उसको फिर कन्वर्ट करके हिंदी में लिखा गया, तो जो हर ऑथर होता है उसकी एक अपनी लैंग्वेज होती है, अपनी सोच होती है, उसने उस श्लोक को अपने हिसाब से कन्वर्ट करके उस बातों को लिखा। तो अगर जो आप बुक पढ़ेंगे आयुर्वेद की, उसमें क्या होगा, श्लोक भी लिखे होंगे, नीचे हिंदी भी लिखी होगी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन लिखी होगी, अगर आपकी वो इंग्लिश की बुक है तो। तो अगर आप श्लोक पढ़ते हैं आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता चल जाएगा, एग्जैक्ट बात पता चल जाएगी इसमें जो महर्षि थे वो कहना क्या चाह रहे हैं, तो आप उससे अपना एक मतलब निकाल सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। और अगर आप श्लोक याद करते हैं तो उससे क्या होता है, तो श्लोक याद करते हैं तो आपको वो चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं, तो उसके लिए श्लोक याद करने के लिए संस्कृत आनी जरूरी है, श्लोक लिख के ही संस्कृत में जाए जाते हैं, तो इसलिए आपको जो संस्कृत है जरूरी है। देखो, आप फर्स्ट ईयर में आपको जरूरी है, सेकंड ईयर में सब्जेक्ट नहीं होता है, थर्ड ईयर में नहीं होता, फोर्थ ईयर में नहीं होता,
बस आपको फर्स्ट ईयर में यही पढ़ना होगा। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल्स के बारे में। तो जैसे ही आप बीएमएस में एडमिशन लेते हैं तो आपकी जो सबसे पहले प्रैक्टिकल्स की क्लास लगती है वो लगती है एनाटॉमी की और फिजियोलॉजी की। एनाटॉमी में आपको क्या करना होता है, कैडेवर पे डाइसेक्शन करना होता है, तो इसके लिए आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स तैयार रखें और हाँ एक फोटो जरूर ले लें कैमरे से, वैसे अलाउड नहीं होता, मैंने भी ली थी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरी फोटो ली हुई है और आप चाहे तो ले सकते हैं। देखो डिपेंड करता है अगर आपके टीचर्स आपको फोटो लेने देते हैं या नहीं लेने देते हैं, ठीक है, नहीं लेने देते हैं तो छुपके भी ले सकते हो। अच्छा अब बात करते हैं फिजियोलॉजी के बारे में। तो फिजियोलॉजी में आपको आपको करनी होगी ब्लड प्रिकिंग। आपको देखो जो इंडेक्स फिंगर है आप अपने फ्रेंड की भी ले सकते हो, खुद की फिंगर पे भी प्रिक करना होगा, वहां से ब्लड सैंपल कलेक्ट करना होगा और आपको वहां पे बीपी मशीन भी चाहिए होगी, ठीक है, और क्या चाहिए होगा, स्टेथोस्कोप चाहिए होगा, तो ये सब चीजें अपने तैयार रखना। वो तो ये सब चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं प्रैक्टिकल्स के टाइम पे। बात करें अगर बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में तो आपको पता ही है एनाटॉमी है, इसको भी हिंदी में पढ़ना है और इंग्लिश में पढ़ना है। फिजियोलॉजी है, इसको भी जो मॉडर्न वर्जन है और आयुर्वेद वर्जन है। संस्कृत के भी हमने बात कर ही ली है। पदार्थ विज्ञान थोड़ी सी बोरिंग लगेगी लेकिन पढ़ लेना अच्छी चीज है। इसमें एक सब सब्जेक्ट है इसका जो कि है हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, ये पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको जरूर पढ़ना। देखो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आप क्या पढ़ रहे हो, उसकी हिस्ट्री क्या जो आप पढ़ रहे हो, तो जब तक आप प्राउड फील नहीं करोगे आप किसी को क्या ही बताओगे जो आप पढ़ रहे हो। तो एक बार उसको जरूर पढ़ना हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, क्योंकि हिस्ट्री कैसे है, आयुर्वेदा आया कैसे इस धरती पे, तो देखना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कैसे वो भगवान से आया। देखो ये पहली ऐसी चीज है आयुर्वेद, एक ऐसी चीज है जो भगवान से आई है। एलोपैथी है वो एक मैनमेड है, लेकिन जो आयुर्वेद है वो है गॉड मेड। तो इस चीज को आप जरूर पढ़ना। हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा में सब कुछ लिखा है कैसे कैसे जो इंस्टीट्यूशन है वो बनने स्टार्ट हुए और किस किस ने जो आयुर्वेद को आगे बढ़ाया। इतने साल हो गए आज तभी भी आयुर्वेद जिंदा है, ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें मेंशन है। हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद जरूर आपने पढ़नी है। और एक है सब्जेक्ट अष्टांग हृदयम, इसमें क्या है, इसमें जो सूत्र स्थान हो ना पहला, जो पहले 30 चैप्टर होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने वो पढ़ने बहुत जरूरी है, ठीक है। जो अगर आप अष्टांग हृदयम पढ़ लेंगे तो आपको जो शरीर रचना है और शरीर क्रिया यानी कि एनाटॉमी है और जो फिजियोलॉजी है वो इजी लगने लग जाएगी, क्योंकि उसमें वो सारी बातें लिखी हुई है अष्टांग हृदयम में। तो यही सारी बातें थी जो फर्स्ट ईयर में जैसे आप बीएमएस में जाएंगे एंटर करेंगे आपको ये बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी वीडियोस पाने के लिए, और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें।